गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, कल हमने हिंदी का लेसन वन रीड कर लिया था। ये हिंदी ग्रामर की बुक है, तो आज हम इसका बुक वर्क कर रहे हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में डैश को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 मतलब 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो सेकंड है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। हम हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। हमारे संविधान में डैश भाषाएं स्वीकृत हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई हैं। संस्कृत भाषा की लिपि डैश है। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पत्र भाषा का डैश रूप है। पत्र, आपको पता है, हम लिख कर भेजते हैं, इसलिए ये लिखित रूप है। आगे है टिक क्रॉस, जो सेंटेंस ठीक हो उस पर टिक, जो रॉन्ग हो उस पर क्रॉस कर देना। उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है। आपको पता है देवनागरी जो लिपि है हिंदी और संस्कृत की है, इसलिए यह रोंग है, इस पर क्रॉस कर दो। बोली का क्षेत्र भाषा की तुलना में छोटा होता है, ठीक है। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए यह ठीक है। लिपि में साहित्य लिखा जाता है। लिपि जैसे जो हमें फॉन्ट मिला, जैसे क ख ग, इन्हीं स्वर और व्यंजनों को जोड़कर ही लिपि बनती है, तो ये लिपि है, इसलिए इनमें साहित्य लिखा जाता है, इसलिए यह ठीक है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। व्याकरण ही सिखाता है शुद्ध रूप से, तो ये टिक आएगा, इसलिए हम इस पर टिक कर देंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जो विचार हम बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक कहते हैं। लिखित, जो विचार हम अपने लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी, किन्हीं 6 भाषाओं के नाम। आप कोई भी, जैसे 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं भारतीय संविधान में, मान्यता मिली हुई है, उनमें से कोई भी 6 भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। जैसे है मराठी, तमिल, गुजराती, संस्कृत, पंजाबी, कन्नड़, असमिया, तेलुगु और भी बहुत सी भाषाएं हैं, उर्दू वगैरह। आप किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिख देना।